हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में आपको मैं सीधा बेट लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट डजन में 60 रुपीस, सेकेंड डजन में 60 रुपीस, और यहाँ पर 25, 26, 27 सिंगल स्टिच में मेरा 20 रुपीस, 28, 29 स्प्लिट में 10 रुपीस, 31, 32 स्प्लिट में 10 रुपीस, टोटल 160 रुपीज़ का बेट है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का बात करें तो हमारा इसमें जब फर्स्ट डजन एंड सेकेंड डजन स्प्लिट हिट होगा तो हमारे को ओनली 20 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर ये सिंगल स्ट्रीट हिट होगा तो मेरे को जैकपॉट 80 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लॉस नंबर बात करते हैं 0, 34, 35, 36, 33 एंड 30, ये 5 नंबर 6 नंबर्स मेरा लॉस है। तो अगर लॉस होगा तो उसको रिकवर कैसे करना है उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रिजल्ट क्या हम लोग कितना करेंगे। यहाँ पर मेरा बैंक रोल मेरा 5000 है। ओके, सबसे पहले ही मेरे जीरा आने के बाद लॉस हुआ है तो इसको करूँगा मैं रिबेट एंड स्पिन। ओनली 160 रुपीज का लॉस हुआ है तो मैं इसको करूंगा रिबेट। जब पहली बार लॉस होता है तो आपको डबल करने का जरूरत नहीं है, ओनली चेक करना है कि अब क्या आएगा। अगर आपका प्रॉफिट नंबर आता है तो भी लगाना है, लॉस नंबर आता है तो भी आपको डबल करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं 60 60 लगाता हूँ। यहाँ पर स्ट्रीट में हम लोग 20 लगाएंगे और 10 10 रुपीज स्प्लिट में। तो मैंने यहाँ पर डबल कर दिया हूँ 160 का 320 रुपीज करके मैंने डबल कर दिया हूँ। ओके, यहाँ पर 21 आने के बाद 40 रुपीज का प्रॉफिट, तो अभी भी हमारा 100 का लॉस है। तो अगेन रिबेट, अब 3 स्पिन हिट होना चाहिए तो मेरा रिकवर हो जाएगा। अगर जैकपॉट हिट होगा तो एक ही बार में रिकवर, अगर दूसरा हिट होगा 3 बार आना चाहिए। एक बार हिट हो चुका है 40 रुपीज का प्रॉफिट, तो अगेन रिबेट। ओके, अब 3 स्पिन चाहिए, 3 स्पिन में मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा तो 100% प्रॉफिट होगा मेरे को पता है। लेकिन अगर जैकपॉट हिट होगा ना तो एक ही बार में रिकवर हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फिर से शुरू से कैंपेल करना है। लेकिन यहाँ पर जैकपॉट तो हिट नहीं हुआ है, अब लास्ट स्पिन है, इसमें अगर हिट होगा तो अगेन मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, लॉस रिकवर हो जाएगा, 20 रुपीज भी एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। नंबर यहाँ पर क्या आना चाहिए। ओके, ओहो माय गॉड, 25 आने वाला था लेकिन यहाँ पर 17 आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा कितना 5000 था, तो अभी मेरा कितना हो चुका है 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हम लोग जब लॉस रिकवर होता है तो हम लोग इसको फिर से फर्स्ट स्टेप से खेलेंगे, यानी कि मेरा 160 का बेट होता है तो 160 की खेलूँगा। आप ये गलती मत करना, हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर लॉस रिकवर होता है तो आप लोग बिल्कुल भी उसको डबल करके रिपीट करके बिल्कुल भी नहीं खेलना, क्योंकि उसमें रिस्क होता है तो आपके ऊपर होता है। तो देख सकते हो अगेन मेरे को 29 स्प्लिट में हिट हुआ, ठीक है, डबल सिंगल स्ट्रीट में नहीं स्प्लिट में हिट हुआ है, तो हमारा यहाँ पर ओनली 20 रुपीज का प्रॉफिट, टोटल 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट करेंगे। तो अगेन 20 आने के बाद प्रॉफिट, देख सकते हो एक बार लॉस हुआ तो हमारा कितना बार प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप लोग जो आपका लॉस नंबर है उसको देखते खेलोगे, यानी कि एक बार दो बार आपका लॉस हो चुका है, यानी कि एक बार दो बार आपका लॉस नंबर आ चुका है, तो आप लोग ये ट्रिक को इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ओनली रिबेट कर रहा हूँ ताकि फर्स्ट बार लॉस होने के बाद रिबेट करना पड़ता है, क्योंकि दो बार तीन बार आने का चांस होता है, ठीक है, दो बार तीन बार लॉस करने का चांस होता है इसलिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 25, 26, 27, नो, 15 आने के बाद यहाँ पर गेन मेरे को 20 रुपीज़ का ही रिकवर हुआ है, तो यहाँ पर गेन मैं इसको डबल करूँगा, टोटल डबल करने के बाद 320 रुपीज़ का बेट हो चुका है, 160 का बेट था, डबल करने के बाद 320 हो चुका है। आगे देखते हैं,
ओके 28, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अभी नहीं तो जैकपॉट आने वाला था। फिर भी कोई बात नहीं, रिबेट करते हैं फिर से अगेन। नंबर 14 अगेन मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो रिबेट करूंगा मैं। ट्वेंटी नाइन आने के बाद अगेन प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर देख सकते 5040 रुपीज़ हो चुका है। तो हम लोग इसको फिर से शुरू से बेट करेंगे। कितना लॉस हुआ था मेरा यार, शायद चलो डबल ही खेलेंगे यार, लॉस रिकवर नहीं हुआ है ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो इस बार में हमारे को रिकवर हो जाएगा। लास्ट स्पिन है हमारा, डबल करके खेला है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट डजन आने के बाद रिकवर हो चुका है। तो अगेन हम लोग फिर से फर्स्ट बेट से ही गेम प्ले करेंगे। लॉस रिकवर होने के बाद आपको फर्स्ट बेट से ही खेलना है, जो आपका फर्स्ट बेट 160 है। ठीक है, मेरा तो 160 है, आप लोग जितना बैंक रोल लेके खेलोगे उतना अच्छा रहेगा। तो नंबर 3 आने के बाद अगेन प्रॉफिट रिबेट। देखो 5000 था, फिर भी मैंने लो अमाउंट से गेम प्ले किया हूँ क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। ओके, नंबर 9 आने के बाद अगेन प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो 120 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हो चुका है। तो आगे और बढ़ते हैं हम लोग, कितना प्रॉफिट निकलेगा। ओके, 21 आने के बाद अगेन 20 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो इसको करते हैं रिबेट। नंबर 21 अगेन रिपीट करके दिया है 21 को। तो अगेन हमारे को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट, टोटल 160 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है हमारा। नंबर 14 सेकेंड डजन, तो सेकेंड डजन में भी सेम प्रॉफिट होता है 20 रुपीज़ का। तो अगेन रिबेट करते हैं। आठ मिनट के अंदर 200 का प्रॉफिट होने वाला है। तो अब ये हिट होगा तो 200 प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर फर्स्ट डजन आने के बाद अगेन 200 का मेरा प्रॉफिट हो चुका है। देख सकते हो फाइनली 5000 था, 5200 हो चुका है, यानी कि 200 का एक्स्ट्रा मेरा प्रॉफिट। तो और थोड़ा सा खेल लेते हैं। ओके, नंबर 33 जो हमारे को लॉस नंबर है, तो हम लोग इसको करते हैं रिबेट, चेक करते हैं। ठीक है, थर्टी, 33, 36, 35, 34 हमारा लॉस नंबर है, 0 भी है लॉस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार रिकवर हुआ है। तो यहाँ पर 50-50, 10-10, 20-10-10, टोटल 320 रुपीज़ का बेट, एकदम इजी स्ट्रेटेजी है। ओके, 32 आने के बाद अगेन हमारे को 40 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो इसको करते रिबेट। नंबर 22 सेकेंड डजन अगेन 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ओके, 12 आने के बाद 5 डजन अगेन प्रॉफिट। तो रिबेट करते हैं अगेन।
तो लास्ट स्पिन ही अगर हिट होगा तो रिकवर हो जाएगा और थोड़ा 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो देखते हैं रिजल्ट 22 आने के बाद। फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 220 यानी कि जो भी लॉस हुआ था रिकवर हो चुका है एंड 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।